सभ्याचारक मंच पंजाब की तरफ से नई अनाज मंडी मुल्लापुर में 25वीं सिल्वर जुबली बेटियों का लोहड़ी मेला चेयरमैन कृष्ण कुमार बावा और प्रधान राजीव लवली के नेतृत्व में करवाया गया। कन्या भ्रूण हत्या का हमारे समाज पर लगा कलंक धोने के लिए बेटियों का लोहड़ी मेला सहायक होगा, क्योंकि मेले में 31 नवजन्मी बेटियों की मनाई गई लोहड़ी इस समाज के लिए एक नया संदेश है। ये मेला मुल्लांपुर की मंडी तो शुरू किया सी, इत्थों ही स्वर्गीय जगदेव सिंह जसवाल जी की प्रेरणा सदके अज इस वारी साडी संस्था ने एक यतन किया भी दोबारा आप 25 साल जिहड़ा मेला वह भी मुल्लांपुर लाइए। साडे अमीर सभ्याचार को कलंकित मैं समझा हो रहा सी जां हजे भी हो रहा है कि जब लड़की का जन्म हुंदा सी ता उसके मूँह नूं गुड़ दी रोड़ी अते हाथ च पूनी फड़ा के पुरातन समय दे विच के गुड़ खाई पूनी कत्ती आप ना आई वीरे नूं कत्ती कह के उहदा बेड़ा पार कर दिता जांदा। अज मैनू ये जान के खुशी हुई अज लोहड़ी मेला, क्योंकि बाबा जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने, भरा ने साडे, और क्योंकि अज लोहड़ी का मेला एक खुशी का, यह भी मैं बधाई देना सारे पंजाबियों लख लख बधाई देना आपके कन्नियों। लड़कियों का लोहड़ी मेला सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज इसकी सिल्वर जुबली है और 25 सालों से ये मेला चलता आ रहा है। हमारे साथ एक पंजाबी गायक आज पहुंचे हैं, पाली देतवालिया जी, जो हमारे पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। शुक्रिया 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 जी। पहले बताइए ये मेले आज जैसे इसकी सिल्वर जुबली है तो क्या 25 सालों से आप इस मेले के साथ जुड़े हुए हैं? मैडम जी गल है भी ये जो लोहड़ी मेला ना 25 साल तो शुरू हो मैं क्या भी साढ़े सरदार जगदेव सिंह जसवाल साहब उन्होंने सरप्रस्ती दौरान साढ़े कृष्ण कुमार बावा जी उन्हां दी सारी टीम तूर साहब लवली जी रंगूवाल साहब ये सारे ने इकट्ठे होकर मनाया, पर ये मैं पहला कलाकार सी भी मैं मेरे ख्याल भी 25वां साल जांदा मैनू, मैं उदो 10वीं च पढ़ता सी जदा मैं इस मेले ते आउणा मैनू बड़ा चंगा लगदा मैं इत्थे लड़कियां दे गीत गाउणा भी पुत्तां तां ही जीवण जोगे कहण वाले हो कि धीआं नूं भी क्या करो जीवण जोगियां, मावां ते धीआं वर्गा रिश्ता कोई होर नहीं, आउण पेकां तो ठंडियां हवावां वीर मेरे रहण वास्ते। मैं बड़े अच्छे अच्छे जे मैं इस मेले ते कदे मैं कमर्शियल गीत नहीं गाया, इत्थे मैं तकरीबन परिवार दे गीत गाउणा जी। हमारे साथ पंजाबी फेमस गायक मम्मी भाई जी खड़े हैं, तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि इस मेले की आज 25th एनिवर्सरी है, तो 25 सालों से क्या आप इस मेले के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं? हाँ, बड़ी देर हो गई है, बहुत लंबा अरसा हो गया इस मेले नाल जुड़िया नूं, ते बहुत बार परफॉर्म भी किया है मेले दे विच, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये उन्हां धीआं नूं सैलीब्रेट करते हैं जिन्होंने बहुत वख वख फील्ड्स दे विच अचीवर्स बनिया ने जिहड़ियां। सो साडा फर्ज बनता सारे पंजाबियों का कि मेलियां नूं असीं वध तों वध उत्साहित करिए इस लोहड़ी मेले दे विच। इंटरटेनमेंट इज़ अनदर पार्ट, बट पहली गल बड़ी यही हुंदी है कि लोहड़ी मेला हो किस लई रहा है। सो ये लड़कियां नूं मुख रख के कीता जांदा है। सो मैं इन्हां दे सारे ऑर्गेनाइजर्स नूं ढेर सारी मुबारकां पेश करदा इस गल दे लई। अज इन्हां ने ऑनर भी कीता काफ़ी लोकां नूं इत्थे, ते हर साल हर मेले दे उत्ते करदे ने। सो मैं बड़ी देर तो इस मेले दे नाल जुड़िया होया ते उम्मीद करदा कि मेला इस तरह निरंतर काम करता रहूगा। एक गाना तो जरूर बनता है, सुना आप लोहड़ी मेले पे आए हैं, कुछ भी एक सुंदर से लफ्ज यहाँ लड़कियों का मेला मनाया जा रहा है, कुछ भी सुनाइए हम सबको। हुन्नी मैं पानी हुन्नी मैं पानी भरे नियां पतनों बड़े नैन हो बड़े नैन ना रेंदे तकनों अल्लाह जाने ते यार ना जाने मेरा ढोल जवानियां माने। हमारे साथ पंजाब के लेजेंडरी सिंगर हैं मिस्टर मलकीत सिंह, तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी, और आज मैंने इतने आन के बहुत ही चंगा लग्या। धियां का मेला सारी सोसाइटी ने इतने सारे ने इकट्ठे होकर सारे ने मनाया जी। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता रविंदर साडा छोटा वीर एंड सारे ने बहुत ही, मैंने सब तो वह खुशी ये हुई कि क्योंकि धियां का मेला करवाना पुत्तां दीआं कहिंदे लोहड़ियां सारे बंटदे ने पर धियां दीआं लोहड़ियां मनाउणियां वह भी इस तरह का सभ्याचारक कल्चर वाला मेला करवाना, और मैं पहली बार किसी मेले पर आया जी, पहली बार किसी मेले पर, और मेरा सन्मानित किया उन्होंने बहुत वधिया तरीके दे नाल, और मैनू बहुत ही चंगा लग्या सारे दा। सारे अज इत्थे पंजाब दी प्रेस, पंजाब दे राइटर साडे मक्खण बराड़ साहब, गुरभजन गैल साहब, शमशेर संधू साहब, सारे म्यूजिक जिहड़े लवर्स ने वो सारे इत्थे पहुंचे है, और बहुत ही चंगी लगदा इहो जी संस्था दे नाल आण के। मेरे वल्लों तुहाडा सारिआं दा संस्था दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। सारे जैसे आप अब्रॉड में
सेटल है, तो वहाँ भी क्या पंजाबी जो म्यूजिक है उसको इतना ही प्यार मिलता है जितना यहाँ पे मिलता है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, सारी दुनिया ची अजकल तो पंजाबियों का बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक चलता जी। मैं 67 कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म किया, सो जिते भी जाने पंजाबी कल्चर बहुत मान सत्कार देंगे। आपके एक सर लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे, आपके दो सॉन्ग्स जो आज भी हम अपने फीट नहीं रोक सकते डांस करते हुए, तू तक तूतियाँ और हई, वो जो आपका फेमस सॉन्ग है गुड़ नाल इश्क मिठा, तो हम चाहते हैं कि ऑन सेट आप प्लीज़ हमें वो कोई भी एक गाना सुनाइए उनमें से। बिल्कुल जी, उस मैनू लगता है उस गीत तो बगैर तो मेरा छटकारा ही नहीं है। लो फिर लुधियाने वाले तुहाडे लई है, तुतक तुतक तूतियां हई जमालो, नी आ जा तूता वाले खूह ते हई जमालो, ओथे गल्लां करिए मूह ते हई जमालो, तुतक 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 तूतियां। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के लेजेंडरी सिंगर मिस्टर मलकीत सिंह, जिन्होंने हमें अपना फेमस गानों के बोल सुनाए। कैमरामैन अमन दीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैम पहले भी बताइए, जैसे आज ये लोहड़ी मेला ऑर्गेनाइज किया गया मुल्लापुर में एंड इसकी आज सिल्वर जुबली है, तो आप 25 ईयर से क्या इससे कनेक्ट होते आ रहे हैं या दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम लोग जो है कोर्ट में काम करते हैं और देश में विदेश में, मैं जो है NRI अबैंडन्ड ब्राइड्स का जो इशू है जिसमें लोग बाहर से आते हैं और शादी करते हैं फिर लड़कियों को छोड़ करके चले जाते हैं, उस इशू के ऊपर मैंने 2002 में इसको शुरू किया था एंड आई एम द ओनली लॉयर इन इंडिया हु इज़ वर्किंग ऑन दिस इशू फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। सो रिसेंटली आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लंदन, पार्लियामेंट ऑफ लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझे इसके लिए अवार्ड दिया गया फॉर माई लीगल एंड सोशल वर्क। तो मुझे ये लगता है कि आज भी अगर हम सोचते हैं तो लड़कियों के लिए जो सफ़र है वो कोई ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मैंने एक वो करा है वॉम टू टॉम, हमने इसके ऊपर एक कैलेंडर रिलीज़ किया है, तो जब लड़की पैदा होती है उससे लेके उसके मरने तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है ऐसी चलती जा रही हैं। हमारे साथ जो गायक बैठे हैं वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह माने जाते हैं, मोहम्मद सदीक जी, तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं उनसे। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, फरमाइए। सर सबसे पहले भी बताइए, आप जैसे मेले को आज ये 25th एनिवर्सरी है, तो कितने सालों से आप इस मेले के साथ जुड़ते चले आ रहे हैं? देखिए मैडम, बात यह है जब से प्रोफेसर मोहन सिंह जी का मेला लगना शुरू हुआ है तभी से ये के बाबा जी ने लड़कियों का मेला लगाना, लोहड़ी का मेला लगाना शुरू किया है और बहुत अच्छी इन्होंने प्रतीत डाली है, क्योंकि बच्चियों को तो हम लोग कई बार हमारे बुज़ुर्गों ने हमने बताया कि इनको दबा देते थे धरती में, इनको कोई खुशी नहीं मनाता था, घर में चूल्हा नहीं पकता था जब बच्ची पैदा होती थी, लेकिन अब यह है कि परमात्मा की मेहरबानी है और लोगों को चेतना आई है, है जी, अवेयरनेस हुई है कि बच्चियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ किया है, तो ये लोहड़ी का मेला बहुत देर से लग रहा है तो तकरीबन हर साल हाजरी भरता हूँ। नहीं भुलना बिछोड़ा तेरा, सारे दुख भुल जाएंगे, नहीं हो भुलना, भुल गई हो कीते कॉल ते करार नहीं, आप मर गई है सानू गई हो मारनी, हो रब्बा नहीं हो लगदा जी मेरा, सारे दुख भुल जाएंगे, नहीं हो भुलना, नहीं हो भुलना बिछोड़ा मैनू तेरा, सारे दुख भुल जाएंगे, नहीं हो भुलना, नहीं हो भुलना, नहीं हो भुलना। सर हमें अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए, तो ये थे हमारे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह मोहम्मद सदीक जी, जिन्होंने हमें मैसेज दिया बहुत अच्छा कि आजकल की यूथ को लेकर कि वो कैसे गाने बनने चाहिए जो हमारे पंजाबी कल्चर को बचा के रखे, उन्हें संजो के रखे। कैमरामैन अमन दीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।